So what is the next point of literary sources? In ancient times, tablets of stones and metals were also used for writing purposes. Means सभी स्टोनों पे नहीं लिखा जा सकता था, जो स्टोन्स सीधे होते थे कुछ, ठीक है, और जो मेटल्स होते थे उन पे लिखा जा सकता था, एंड दे वेर यूज्ड फॉर राइटिंग. मैनी एंशियंट पिलर्स एंड रॉक्स हैव बीन फाउंड विद इंक्रिप्शंस एनग्रेव्ड ऑन देम. दे आर अ फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस. तो ऐसे बहुत सारे पत्थर, पिलर्स एंड रॉक्स डिस्कवर हुए हैं जिसमें बहुत सारे थिंग्स लिखे गए हैं, और इससे हमारे हिस्टोरियंस को बहुत फ़ायदा हुआ है, उनको बहुत सारे चीज़ें मिल रही है, जानकारी उनको मिल रही है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड पोएम्स. ड्यूरिंग अर्ली डेज व्हेन राइटिंग वॉज नॉट प्रिवेलेंट, एल्डर्स पास्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड ट्रेडिशंस टू द नेक्स्ट जेनरेशन थ्रू स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड और पोएम्स. तो क्या था, जो राजा महाराजा थे, जो किंग्स थे, दे कुड ओनली राइट ओके ऑन द वॉल्स, ऑन द पिलर्स, बट जो जनरल लोग थे वो कहाँ लिखेंगे, वट दे विल डू. सो वट दे यूज टू डू, उनको जो कहानी आती थी, जो सॉन्ग्स और द पोएम्स, ठीक है, वट दे यूज टू डू, इट फॉलो ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन. मतलब जैसे कि आपके ग्रैंडफादर ने जो स्टोरी आपके पापा को सुनाई थी, आपके फादर को, वही स्टोरी आपके फादर ने आपको सुनाई, ठीक है. लाइक दिस वे आपकी ग्रैंड मदर ने, उनकी ग्रैंड मदर ने उनको जो स्टोरी सुनाई थी, उस वो स्टोरी उन्होंने आपकी मदर को सुनाई, फिर वही स्टोरी आपकी मदर ने आपको सुनाई. लाइक दिस वे मैनी स्टोरीज एंड पोएम्स आर गोइंग थ्रू बाई जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक के बाद एक, ट्रेडिशन के बाद एक ट्रेडिशन ऐसे चलता ही जा रहा है. ओके, दिस सोर्स इज नोन एज ओरल सोर्स. और इसको क्या बोलते हैं, ओरल सोर्स. ये रिटन नहीं है, है ना. देयर आर सम पोएम्स और स्टोरीज जो रिटन नहीं है, वो बस ऐसे चलते ही जा रहे हैं. दीज आर कॉल्ड ओरल सोर्स. सम ऑफ द स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड पोएम्स दैट वी नो टूडे हैव बीन पास्ड डाउन फॉर एजेस. मीन जो स्टोरीज, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है जो हम जानते हैं, जो सॉन्ग्स हम जानते हैं, वो बहुत दिनों से ऐसे ही चले आ रहे हैं. दीज आर कॉल्ड ओरल सोर्सेस. सोर्सेस आर प्रिजर्व्ड सो दैट पीपल बिकम अवेयर हाउ आवर सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हाउ टू प्रिजर्व द सोर्सेस, सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें कुछ भी है ना डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि अगर ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, देन व्हाट आवर नेक्स्ट जनरेशन विल लर्न. हमारे नेक्स्ट जनरेशन को क्या सीखने मिलेगा. ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इतना संभाल के रखा गया है, दैट्स वाई ओनली वी आर कमिंग टू नो अबाउट दिस नो. इसी वजह से हम इतना सब कुछ जान पाए हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व दिस सोर्सेस. ओके, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय डैम.